हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास ट्वेल्थ का आज कल हम चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.6 के 1, 2, 5 यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। देख लीजिए एक्सरसाइज 5.6 एंड क्वेश्चन नंबर 6। पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, देन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी जो पैरामीटर होगा, थीटा है, टी है, जेड है, जो भी है, वो आपको एलिमिनेट नहीं करना है, वो आपके आंसर में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख सकते हो। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके दो फंक्शन हमें दे रखे हैं, x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा dx एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा की डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा अगर मैं करती हूँ तो देखो बाहर तो a रहेगा, अंदर 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी और कॉस थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा को एक बार मैं फिर से रीराइट कर लूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों की वैल्यूज पुट कर, तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस ए साइन थीटा, और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रख देंगे ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया और वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आती हैं तो आपने मैक्सिमम सॉल्व करना है। देखो साइन थीटा है ऊपर, ठीक है, आप सोचोगे साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दे रहे कि नहीं, हमने इलेवंथ में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन 2 थीटा 2 a 2 एक्स कुछ भी कह लीजिए वो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर लेफ्ट साइड में 2 थीटा की जगह पर थीटा है तो राइट साइड में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हाफ एंगल की ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। पुट दीज वैल्यूज़ हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर रह गया माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय 2 और नीचे रह गया साइन थीटा बाय 2। कॉस बाय साइन कोटेंजेंट होता है, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस कोटेंजेंट थीटा बाय 2 हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये बेशक डी वाई बाई डी एक्स है लेकिन इसमें कहीं भी आपको एक्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो एक दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दोनों के दोनों थीटा पर डिपेंड करें और हमें थीटा को एलिमिनेट नहीं करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो टेलीग्राम पर आप बच्चों के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अब हम सोल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है कि ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा लेंथी है, इसे हम आराम से ध्यान से करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ, फिर हम एक ब्लैंक शीट अपनी ले लेंगे। एक्स है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t अंडर रूट, और वाई फंक्शन है बेटा कॉस क्यूब टी बाय कॉस 2t अंडर रूट, ठीक है। दोनों में डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये अपना यू बाई वी की फॉर्म में है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। देखो अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमिरेटर है साइन क्यूब टी, उसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3 साइन स्क्वेयर टी, और साइन स्क्वेयर की कॉस्ट माइनस,
अब न्यूमिरेटर यानी साइन क्यूब टी को यूं का यूं लिखेंगे और कॉस टू टी के अंडर रूट की डिफरेंशिएशन करेंगे, ये है कॉस टू टी की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी और कॉस टू टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस टू साइन टू टी। अब हम दो काम इकट्ठा करने जा रहे हैं, टू से टू कैंसिल हो गया, ये जो दो माइनस के साइन है दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। इस कॉस टू टी के अंडर रूट को मैं एलसीएम लूँगी तो ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों स्टेप्स मैं इकट्ठे ले रही हूँ, जब मैं इसको एलसीएम लूँगी और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक अंडर रूट पहले से और एक अंडर रूट एलसीएम से आएगा, तो दोनों हटकर बन जाएंगे कॉस टू टी। इस थ्री को मैं आगे लिख देती हूँ, ये हो गया साइन स्क्वेयर टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी, यहाँ दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी, ठीक है। और भाई डिवाइडेड बाय में एक कॉस टू टी पहले से था और ये हो गया कॉस टू टी का अंडर रूट एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका डी एक्स बाय डी टी, क्लियर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और अब यहीं पर मैं आपको डी वाई बाय डी टी निकाल के दिखाती हूँ। वाई पे अब आपने फोकस करना है, ये भी यू बाय वी में चलेगा तो डी वाई बाय डी टी में भी यही आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर में भी कॉस टू टी का अंडर रूट है तो कॉस टू टी रह जाएगा स्क्वेयर करने के बाद, कॉस टू टी का अंडर रूट एज इट इज और ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कॉस स्क्वेयर टी और कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है जिसको मैं यहाँ आगे ले आऊँगी और ये हो जाएगा साइन टी। और एक माइनस अब अपना फॉर्मूले का आएगा जिसमें न्यूमिरेटर को यानी कॉस क्यूब टी को तो एज इट इज रखना है और डिनोमिनेटर में जो था कॉस रूट कॉस टू टी का अंडर रूट वो जाएगी 1/2 कॉस टू टी का अंडर रूट और ये हो जाएगी माइनस, वो माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा 2 साइन टू टी, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर से हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात को, इस कॉस रूट टू टी को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है भाई। ये यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये इधर इस टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस टू टी, ये वाला 3 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वेयर टी साइन टी, ठीक है। ऊपर हमारा स्क्वेयर ही है ना, हाँ जी बिल्कुल। और आगे चलें तो ये जो टर्म है ये और आ जाएगी, ये बन जाएगी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी और डिनोमिनेटर में ये टर्म तो ऑलरेडी और ये भी एलसीएम लेने के बाद आ जाएगी तो ये बनेगा कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी का अंडर रूट, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका डी वाई बाई डी टी आ गया, दोनों को मैं एक फ्रेम में ले आई हूँ। आप ध्यान दें, ये आपका डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, और ये आपका डी वाई बाई डी टी है। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इन दोनों को अब मैं करने जा रही हूँ डिवाइड। हमें ये पता है, कई क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है बेटा जी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब मैं यहाँ फिर थोड़ा सा शॉर्टकट लूँगी, देखो ध्यान देना, फर्स्ट का डिनोमिनेटर भी यही है और सेकंड का डिनोमिनेटर भी यही है। कहने का मतलब है कि अगर मैं a बाय बी को c बाय बी से डिवाइड करूं तो b से b कैंसिल होकर a बाय c रह जाएगा, यानी न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर रह जाएगा। जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ये टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और दोनों के केवल न्यूमरेटर्स रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी टी का केवल हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो ये न्यूमरेटर में ना यहाँ पर अपना माइनस आना था, ये थोड़ा सा अपना माइनस रह गया क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस था तो मल्टीप्लाई करते टाइम ये माइनस छूट गया था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 3 कॉस टू टी कॉस स्क्वेयर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी। डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड करते टाइम कैंसिल हो जाएंगे। और ये डी एक्स बाई डी टी का न्यूमरेटर लिख लो तो 3 कॉस टू टी साइन स्क्वेयर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी, ठीक है।
इसको अब हमने बेटा सॉल्व करना है। तो दो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने यहाँ लगानी है। पहली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, साइन टू थीटा की जगह लगेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोनों को मैं यहीं लगा रही हूँ ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए, टू साइन टी कॉस टी, और यहाँ भी आ गया टू साइन टी कॉस टी। अब ऊपर और नीचे दोनों में से आपने कॉमन ले देना है साइन टी कॉस टी। देखो एक साइन तो ये चला जाएगा और एक कॉस यहाँ से, तो ये बच जाएगा माइनस थ्री कॉस टू टी, और एक कॉस बचेगा यहाँ से, प्लस ये भी चला गया तो ये बच जाएगा टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लो साइन टी कॉस टी, तो ये बच जाएगा थ्री कॉस टू टी साइन टी, ये कॉमन चला गया तो ये बच गया टू साइन क्यूब टी। ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, और अब ऊपर जो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल होने के बाद यही टर्म बच जाएगी, तो मैं इसको यहीं पर होल्ड कर लेती हूँ। आपने ये स्टेप देख ही लिया है, अब अगले स्टेप में हम ऊपर वाले पूरे न्यूमरेटर को कॉस में बदलने जा रहे हैं, नीचे वाले को साइन में। तो जो दो आइडेंटिटीज आप लगाओगे वो ये लगाओगे, कॉस टू टी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वेयर टी, ठीक है। तो यहाँ लगेगा माइनस थ्री, इसकी जगह पे टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी, और ये हो गया टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय थ्री ब्रैकेट में वन माइनस टू साइन स्क्वेयर टी, बाहर आ जाएगा साइन टी, और प्लस टू साइन क्यूब टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। माइनस थ्री को इससे करो विद कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स कॉस क्यूब टी प्लस थ्री कॉस टी, देखो ना थ्री यहाँ है वन यहाँ है कॉस यहाँ है, और प्लस टू कॉस क्यूब टी। अब ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री साइन टी, थ्री टू जा सिक्स और विद साइन टी, तो माइनस सिक्स साइन क्यूब टी प्लस टू साइन क्यूब टी। अब देखो भाई साइन क्यूब कॉस क्यूब की दो टर्म्स आ रही हैं, तो थ्री कॉस टी प्लस का है, तो इसको मैं आगे ले लेती हूँ, सिक्स में से टू माइनस करोगे तो माइनस फोर कॉस क्यूब टी, डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे तो थ्री साइन टी आगे आ रहा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस फोर साइन क्यूब टी। अब हम न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी, और डिनोमिनेटर में ये बन गया थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। देखते कोई आइडेंटिटी आपको याद आई होगी, ये कॉस थ्री थीटा की आइडेंटिटी है और ये साइन थ्री थीटा की, दोनों को डिवाइड करोगे तो कोटेंजेंट माइनस कोटेंजेंट थ्री टी आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, जो हमारा फाइनल आंसर है। काफ़ी लंबा और थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला प्रश्न है ये, क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको ट्रिक्स इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर हमने गलत ट्रिक लगा दी, गलत कॉमन ले दिया, गलत आइडेंटिटी लगा दी, तो ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, या आपका गलत भी हो सकता है। थोड़ा इसको ध्यान से देखें, कोई डाउट्स हैं कोई क्वेरी हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ये रही, मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया, x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेंजेंट टी बाई टू, और y हो गया ए साइन टी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स बाई डी टी के लिए, तो ये हो जाएगा ए एज इट इज कॉस टी का डेरीवेटिव माइनस साइन टी लॉग एक्स यानी लॉग टेंजेंट टी बाई टू यानी कि वन बाय टेंजेंट टी बाई टू। टेंजेंट टी बाई टू की फिर करोगे तो सीकेंट स्क्वेयर टी बाई टू, और टी बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाय टू। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो ए इंटू में कॉस का तो हो गया माइनस साइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों को साइन कॉस में बदल लो, ये वन बाय टेंजेंट है, वन बाय टेंजेंट का मतलब कोटेंजेंट है, यानी कि कॉस टी बाय टू ऊपर चला गया और साइन टी बाय टू नीचे, और सीकेंट स्क्वेयर का मतलब हो गया वन बाय कॉस स्क्वेयर टी बाय टू, और साथ में आ गया वन बाय टू। इस कॉस से ये स्क्वेयर वाला एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन बाय टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन टू थीटा, तो ये हो गया ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन बाय साइन टी, क्योंकि साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू साइन टी बन जाएगा। एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो साइन टी एलसीएम आया, साइन को साइन से करोगे माइनस का साइन स्क्वेयर टी प्लस वन, और वन माइनस साइन स्क्वेयर टी क्या होता है कॉस स्क्वेयर टी, ध्यान देना। तो ये बन गया ए इंटू ऊपर तो आ गया कॉस स्क्वेयर टी और नीचे आ गया साइन टी। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ए कॉस टी बाय साइन टी इंटू वन बाय साइन टी, तो ये बन जाएगा ए कोटेंजेंट टी कोसिकेंट टी, ये आ गया डी एक्स बाय डी टी, पूरा मैंने एक फ्रेम में कर दिया। और डी वाई, वैसे इसको कॉस में ही रखना तुम, क्योंकि जो वाई है ना जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए साइन टी को, तो डी वाई बाय डी टी आ जाएगा ए कॉस टी, और जब आप डिवाइड करके डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करोगे तो वो बनेगा डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। अब डी वाई बाय डी टी तो हो गया ए बाय कॉस टी, और इसको ऐसा करो ये वाला एक्सप्रेशन ले लो ए कॉस स्क्वेयर टी बाय साइन टी जो कि ऊपर चला जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, साइन बाय कॉस यानी कि टेंजेंट टी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से आगे मत करना आप सोल्व, ये आइडिया आ गया ना वहाँ से देखकर, तो ज़रूरत पड़े बदलने की तो आप बाद में भी बदल सकते हो। मान लो इसे मुझे थोड़ी जगह छोड़ दो नोटबुक में, सीकेंट कोटेंजेंट में बदलना होता तो यहाँ बदल देते। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहीं से करा देती हूँ। एक्स है ए सीकेंट थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, ए सीकेंट थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, तो डी वाई बाय डी थीटा क्या हो जाएगा बी सीकेंट स्क्वेयर थीटा, निकाल दो भाई डी वाई बाय डी एक्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा को ऊपर ले लो बी सीकेंट स्क्वेयर थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा को डिनोमिनेटर में ले लो ए सीकेंट थीटा टेंजेंट, देखो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, ऊपर वाले सीकेंट को तो बदल दो कॉस में, तो ये वन बाय कॉस बनेगा, तो वन नीचे ए बाय कॉस थीटा, और इसको बदल दो साइन बाय कॉस, तो साइन यहाँ हो जाएगा और इसका कॉस ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया बी बाय ए इंटू वन बाय साइन थीटा, और वन बाय साइन थीटा को आप कोसिकेंट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक्स गिवन है ए इंटू कॉस थीटा, चलो मैं लिख ही देती हूँ, पहले एक्स को ही ले लेते हैं, ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ दो फंक्शन आ गए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं अपना वाई को रखते हुए, है ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा ए बाहर कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन थीटा, और इसकी डिफ्रेंशिएशन यू इंटू वी से करोगे, थीटा एज इट इज साइन की कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज इसकी वन आ जाएगी, और इसको अभी थोड़ा और सॉल्व करो तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा कैंसिल होकर ये बन जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। अब बेटा वाई को देखो, ये वाई है तो वाई हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको भी कर दो भाई अब डिफ्रेंशिएट, हैं थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ए साइन का तो डेरिवेटिव हो गया कॉस, माइनस कॉमन ले लो फर्स्ट यानी थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस कोस थीटा एज इट इज थीटा का वन, ये हो जाएगा, यहाँ वैसे करली ब्रैकेट ले सकते थे, ब्रैकेट को एज इट इज रखो कोस थीटा और ये वाली ब्रैकेट खोलो, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया ए थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 देख लो, ए थीटा कोस थीटा और ए थीटा साइन थीटा। अब आपने निकालना है क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा यानी इसको ऊपर ले लो ए थीटा साइन थीटा और उसको नीचे ले लो ए थीटा कॉस थीटा, साइन बाय कॉस बच जाएगा, कैंसिल हो गई कॉमन टर्म्स, और टेंजेंट थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ईजी था, और जल्दी से इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें उसने आंसर खुद ही बता रखा है कि अगर आपका x है a रेस टू पावर साइन इनवर्स t अंडर रूट और y ये है तो dy बाई डी एक्स को शो करो कि माइनस वाई बाई एक्स आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें हमें dy बाई डी एक्स को माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना है। पहले मैं x को ले लेती हूँ, कई
बार इस क्वेश्चन को आप लॉगरिथम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ। ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट है, इसका मतलब पावर हो गई 1/2। तो भाई अब तुम निकाल दो डी एक्स बाई डी टी, पावर आ गए पूरे बेस की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1/2, और इसकी एक बार फिर से पूरे बेस की डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूँ। 1/2, अब ये जो पावर है माइनस 1/2, आप इसको चाहो तो डिनोमिनेटर में ला सकते हो, तो ये बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट। क्लियर हो गया, और इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ए की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, ए की पावर एक्स लॉग है, तो ये बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और साइन इनवर्स टी की फिर से डिफरेंशिएशन जो कि ये आ जाएगी। हो गया, अब आप इन दोनों को देखो, सेम टर्म है लेकिन वहाँ पावर 1 और यहाँ 1/2 है, तो ऊपर जाकर पावर कट जाएगी और ये बन जाएगा, यहाँ तो पावर 1 है दिख रही है और यहाँ 1/2 है, तो पावर में से पावर माइनस करोगे तो ये बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वेयर का अंडर रूट, और साथ में आपका आ जाएगा लॉग ए, ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, मेरी बात समझ आई या नहीं आई? सबसे पहले मैंने पावर को आगे लिया, पूरे बेस की पावर को एक कम किया और बेस की डिफरेंशिएशन कर दी, 1/2 को एज इट इज लिया, जो पावर नेगेटिव थी उसको डिनोमिनेटर में ले गई, और ए की पावर एक्स लॉग ए, और क्योंकि यहाँ एक्स के अलावा कुछ और है तो उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब थोड़ा अरेंज करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों सेम टर्म है, पावर को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया लॉग ए, और ये टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में आ गई, ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो वाई है ना बिल्कुल इसी पर है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट, डिट्टो ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये बन रहा है ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2, पावर आगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर माइनस 1/2, और इसका फिर से डेरिवेटिव सुन लो ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, तो जो पावर नेगेटिव थी उसको ऊपर भी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए रेस टू पावर एक्स एज इट इज लॉग ए, और इस पावर की फिर से डिफरेंशिएशन जो कि बन जाएगी माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वेयर का अंडर रूट। ये जो माइनस है ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा 1/2, इन दोनों का बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए, और ये टर्म हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये आ गया डी वाई बाय डी टी। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब आप इनको मार्क कर लो, तो ये तो आपका है डी एक्स बाय डी टी और ये है आपका डी वाई बाय डी टी। अब मुझे जो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है वो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ज़रा ध्यान दो, डी वाई बाई डी टी में 1/2, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट लॉग ए, और 2 के साथ यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वेयर का अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में ये जो इक्वल टू का साइन है ना यहाँ की बजाय इसके आगे लगाया करो, और ये है डी एक्स बाई डी टी, तो ये भी आ जाएगा 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट लॉग ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर। इससे तो ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, केवल दो टर्म्स हमारे पास बचती हैं, ये बचता है ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट और ये बचता है ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, और माइनस की हम गड़बड़ कर गए हैं, डी वाई बाई डी टी में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ, और ये टर्म अपनी वाई है और ये एक्स है, आप स्टेटमेंट से चेक कर सकते हो। देखो एक बार बड़ा करके दिखाऊं तो वाई की वैल्यू कितनी है, ए कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट, तो यही उसने पूछा था कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा।
ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लॉगरिथम से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.6। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।